दोस्तों नमस्कार, लर्निंग बाई एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू किए थे इंडिया अर्थात भारत 2020, तो इसमें टॉपिक वाइज कर रहे थे। इंडिया 2020 में कुल मिलाकर के 7 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, तो उसी के आगे जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू कर लेते। तो इसमें बहुत सारा डेटा, बहुत सारी स्कीम जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बीओ का हो, आरओ का हो, पीसीएस का हो, आईएएस का हो या फिर ईपीएफओ का हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ये आपका भारत सरकार की बुक है तो और इम्पॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसी में हम देखेंगे कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, कम्युनिकेशन प्राचीन समय में कैसे होता था और आज के समय कैसे होता है, उसके लिए सरकार ने कुछ स्कीम, कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, उनको हम देखेंगे इस चैप्टर में। और देखेंगे आखिरकार कौन सी नोडल एजेंसियाँ हैं, तो इन सबको यानी संचार व सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे लिए वो लाभदायक साबित हुई हैं, उन पहलुओं की भी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का संचालन। पूछा जाए कौन मंत्रालय करता है, तो यह लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। और दूसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या संचार मंत्रालय कहा जाता। तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का संचालन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूसरा संचार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या शॉर्टकट में इसी को मेती के नाम से जाना जाता, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिशन है ई गवर्नेंस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना। तो ये आपका यहाँ अगर पूछा जाए कि भारत में ई गवर्नेंस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के सतत गवर्नेंस को कौन प्रोत्साहित करता है, तब आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ई गवर्नेंस व इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास को यानी प्रमोट करता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विस्तार और देश में इंटरनेट विभाग की विशेषताएं अब आगे दी गई हैं, उसी की हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। अगर हम संचार की बात करें तो संचार आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या व्यवस्था थी, तो सबसे पहले आप ही जानते हो डाक व्यवस्था थी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता कि भारत में पोस्टल सिस्टम या डाक व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ देखिएगा 1766 में, याद कीजिए 1765 से लेकर के 64 में बक्सर का युद्ध होगा, फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी, उस समय रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आ चुका होगा। तो आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ करने का श्रेय 1765 से 66 तक ये रहता है रॉबर्ट क्लाइव। तो भारत में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक डाक प्रणाली, आधुनिक पोस्टल सिस्टम का प्रारंभ किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1766 में किया गया था। आगे इसको प्रमोट, आगे बढ़ाने का काम किसने किया, तो 1772 से लेकर आप देखते हो 1784 तक कौन रहता, वॉरेन हेस्टिंग्स, यही बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। तो इसके बारे में आप इतिहास में डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स इसे आगे बढ़ाने का काम किया। तो ध्यान दीजिएगा, और डाक
नेटवर्क का विस्तार सबसे ज़्यादा 1786 से लेकर 1793 के बीच हुआ, अर्थात लॉर्ड कार्नवालिस के काल में इसका काफ़ी विस्तार हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था, तब इसका आंसर हो जाएगा यानी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1766। आगे इसको बढ़ाने का काम किसने किया, तो 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे इसका विस्तार हुआ डाक नेटवर्क का 1786 से 93 के दौरान लॉर्ड कार्नवालिस के काल में हुआ। आगे चलकर एक अधिनियम बनाया जाता है डाक को विनियमित करने के लिए 1837 में। यहाँ लिखा भी है कि 1837 के एक अधिनियम के माध्यम से पहली बार डाकों को नियमन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया, ताकि तत्कालीन 3 प्रेसिडेंसी होती थी। तो कौन 3 प्रेसिडेंसी थी, तो आप आइए जान लेते हैं। ये आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इधर कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी। तो यहाँ पर डाक सेवा को रेगुलेट किया जा सके, क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, तो इसके लिए एक अकब, तो ध्यान दीजिएगा 1837 में पहली बार अधिनियम बनाया जाता, ताकि इन तीनों प्रेसिडेंसी को भारतीय डाक सेवा के अंतर्गत लाया जा सके। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ 1854 के डाकघर में संशोधन के साथ, जो डाकघर अधिनियम था 1837 से पहला था, इसमें आगे चलकर कब, तो 1854 में क्या किया जाता, संशोधन किया जाता और संपूर्ण डाक व्यवस्था का स्वरूप बदल दिया जाता है। 1 अक्टूबर 1854 से भारत के लिए वर्तमान प्रशासनिक तरीके से डाक व्यवस्था का संचालन शुरू हो जाता। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि देश में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था, बहुत बार पूछा जाता, तो लॉर्ड डलहौजी का काल याद कीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी, आप देखते हो डाक टार इन सब की सेवा शुरू किया था, सिर्फ ये आपका, तो ये 1848 से लेकर के 1856 तक भारत में क्या रहता है, गवर्नर जनरल रहता है। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली बार 1 अक्टूबर 1854 को भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया। पहला डाक टिकट पूछा जाए तो कब जारी हुआ था, तो पहला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया। यहाँ लिखा है देश में पहला डाक टिकट उसी समय का, मतलब 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया, जो पूरे देश में मान्य था। डाक टिकटों की दरें कम रखी गई, समान रखी गई, डाक दूरी के हिसाब से ना हो करके, बल्कि भेजे जाने वाले पत्र अथवा पैकेट का वजन, आज भी आप देखते हो आप जितना वजन आप डाक भेजना चाहते हो उस हिसाब से आपसे पैसा लिया जाता है। आम जन पहली बार एक ऐसी सुविधा का उपयोग कर सकें जिसके तहत उन्हें दरवाजे पर पत्र मिलने लगे। पहले इस तरह की सुविधा केवल किसको, राष्ट्र अध्यक्ष जो होते थे, सरकारी अधिकारी होते थे, उनको मिलती रहती थी, लेकिन अब भारत के सभी लोगों को डाक व्यवस्था से कनेक्ट कर दिया गया। हालांकि ये आपका डाक का संचालन ब्रिटिश ने अपने औपनिवेशिक साम्राज्यवादी हितों को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया था, लेकिन कई बार होता क्या है, चाहे अनचाहे भारत में भी विकास हो जाता। तो यहाँ लिखा भी है कि यद्यपि ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी हितों के लिए डाक घरों की स्थापना की, लेकिन डाक घर रेल और टेलीग्राफ के साथ सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण इंजन बन गया। वर्तमान में देखा जाए तो आगे लॉर्ड कर्जन के काल में पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है। ध्यान से समझिएगा, अगर पूछा जाए पोस्ट ऑफिस कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा, कंफ्यूज नहीं होना, पोस्ट ऑफिस अधिनियम वर्तमान समय में कब आया था, तो 1898, और ये लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 का काल लॉर्ड कर्जन का काल है। तो 1898 में भारतीय डाक सेवाओं का नियंत्रण किया गया। 19वीं सदी के मध्य में डाकघर, डाक बंगलों,
डाकघर, डाक बंगलों तथा डाक सरायों की देखभाल करके यात्रा को भी सहज एवं सुगम बना दिया गया। अब आगे चल करके इसके पहले ही आप देखोगे 1877 में अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि यानी कौन मेल आर्डर सेवा कब शुरू हुई थी, तो 1877 में, 1877 में मेल आर्डर सेवा की शुरुआत की गई। क्वेश्चन ये पूछा जाए मेल आर्डर सेवा की शुरुआत कब हुई, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बताइए मेल आर्डर सेवा की शुरुआत कब हुई, मेल आर्डर सेवा, तो आप कहोगे कि 1877 में होती है। कब? 1877 में मेल आर्डर सेवा की शुरुआत होती है, जबकि 3 साल बाद ही मेल के बाद फिर 1880 में कौन सी सेवा आती है, तो ध्यान दीजिएगा 1880 में मनी ऑर्डर सेवा नहीं पैसा भी भेज सकते, तो मनी ऑर्डर सेवा भी शुरू कर दिया जाता है। सबसे अच्छी बात, फिर 4 साल बाद, तो ये लिंक आप बनाइए, 1877 में मेल ऑर्डर सेवा की शुरुआत की गई यानी मेल ऑर्डर किए जा सकते थे, 1880 में मनी ऑर्डर सेवा, 1884 में किसकी, तो 1884 में ध्यान दीजिएगा 1884 में, हालांकि उसके पहले ही 2 साल अगर आगे हम देखें तो ये हम व्यवस्था बताया 1877 में मेल ऑर्डर सेवा, 1880 में मनी ऑर्डर सेवा, 1882 में डाकघर बचत बैंक प्रारंभ हो जाती है, यानी बैंक का कार्य भी डाकघर बचत बैंक प्रारंभ हो जाती, डाकघर बचत बैंक प्रारंभ हो जाती है, और 1884 तक सभी कर्मियों को डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लाया जाता है, डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लाया जाता है। इस प्रकार ये व्यवस्था होती है। 19वीं सदी के लास्ट तक यानी 1890 या उसके बाद आते आते धन हस्तांतरण, बैंकिंग, बीमा, सब कुछ सेवा डाक के माध्यम से शुरू कर दी जाती। तो यहाँ तक का अब आपका समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे भारत में डाक का विकास हुआ। तो हमने क्या बताया कैसे कैसे विकास हुआ, तो हमने कहा कि 1700 ध्यान दीजिएगा 66 में भारत में पहली बार लॉर्ड क्लाइव के द्वारा आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत की जाती है। कब? 1766 में। 1766 में ये आपको पहला पॉइंट बताइए। फिर हमने कहा कि इसमें 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स इसे आगे बढ़ाता है और इसमें विस्तार 1786 से लेकर के 93 के बीच होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। फिर हमने कहा इसके बाद 1837 में पहला ये आपका डाकघर को विनियमित कानून के अंतर्गत लाने के लिए, और 3 प्रेसिडेंसियां थी मद्रास, बंबई और आपका तीसरी कौन, कोलकाता, इनको कानून के अंतर्गत लाया जाए तो 1837 में पहला डाकघर अधिनियम बनाया जाता है, और फिर इसी में 1854 में संशोधन किया जाता है, और 1 अक्टूबर 1854 से पूरे भारत में यानी डाक टिकट को पहला डाक टिकट 1854 में जारी किया जाता है। तो पहला डाक टिकट पूछा जाए तो आपका 1854 होगा जारी किया जाता है। इसके साथ ही हमने कहा आगे ये जारी ही रहता है। अब काल आता है 1877 में मेल ऑर्डर सेवा शुरू होती, 1880 में मनी ऑर्डर सेवा शुरू होती, 1882 में हमने क्या बताया कि बचत बैंक सेवा का प्रारंभ हो जाता, डाकघर बचत बैंक सेवा, 1884 में यानी कौन, तो डाक जीवन बीमा, डाकघर बचत बैंक 1882 शुरू होती है, और 1884 में डाक जीवन बीमा भी शुरू हो जाती। इस प्रकार 19वीं सदी के आते आते
धन का हस्तांतरण, बैंकिंग व बीमा सभी सेवाएं डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाती रहती हैं। अब बात करें डाक विभाग की बात करें तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विभाग का शीर्ष प्रबंधन डाक सेवा बोर्ड करता है। डाक पोस्टल सर्विस बोर्ड इसी को कहा जाता, डाक यानी ये सबसे सर्वोच्च आपका विभाग है। तो ये डाक, ध्यान दीजिएगा, डाक सेवा बोर्ड करता है। इसमें कौन, एक अध्यक्ष होता है और प्लस 6 अन्य सदस्य होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी इसमें कुछ अंतर का उतना कुछ है नहीं। डाक सेवा बोर्ड का अध्यक्ष डाक विभाग का भी सचिव होता, तो आपके इसके अंदर उतना डिटेल कुछ नहीं पूछेगा। तो जितना आपका इम्पॉर्टेंट था वो हमने बता दिए। अब इसके फाइनेंशियल सेवाएं यानी डाक विभाग कौन कौन सी सेवाएं आपका शुरू कर रहा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आखिरकार कौन कौन सी डाक सेवाएं हैं जो डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई हैं। तो डाक विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से लघु बचत योजना चलाता है, यानी स्मॉल सेविंग स्कीम भी चलाता है, जो इन योजनाओं से संबंधित ढांचेगत और नियामकों में फेर बदल करता है। डाक विभाग को पारिश्रमिक भुगतान करता है, यानी कौन, वित्त मंत्रालय। डाकघर बचत बैंक में कई करोड़ खाता धारक हैं। बचत बैंक सुविधा, ये डाटा दिया गया कितने 1.54 लाख डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो कौन कौन से आपकी हैं इसमें स्कीम जो डाकघर के द्वारा संचालित होती हैं। डाकघर बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, तो रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, मासिक आय योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसी को PPF कहा जाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन इसी को सेविंग स्कीम कहा जाता, व सुकन्या समृद्ध खाता जैसी योजनाएं डाक विभाग के द्वारा संचालित की जाती। तो इतनी स्कीम ध्यान रखिएगा वो आपका ऑप्शन बना सकता। तो कौन कौन सी, तो बचत खाता, आवर्ती खाता, बचत का मतलब जो हम लोग खुलवाते हैं, आवर्ती मतलब कई बार आप पैसा निकाल सकते हो, टाइम डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट होता वो, तो ये बचत खाता, आवर्ती खाता, सावधि जमा खाता, मासिक आय योजना, अगर हम बात करें महीने के हिसाब से आप मासिक आय योजना वहाँ स्कीम ले सकते, मासिक आय योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, उसके बाद राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व सुकन्या समृद्ध खाता जैसी योजनाएं इसके द्वारा चलाई जाती हैं। तो इतनी स्कीम आपका डाक विभाग संचालित करता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बचत खाता, आवर्ती खाता, सावधि जमा खाता, मासिक आय योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्ध खाता जैसी योजनाएं डाक विभाग के द्वारा संचालित की जाती हैं। अब आते हैं म्यूचुअल फंड बिक्री भी कौन करता, तो वैसे 1964 में स्थापित UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता, उसके द्वारा, यहाँ देखो लिखा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विभिन्न म्यूचुअल फंडों की रिटेलिंग भी डाक विभाग के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय धन ट्रांसफ़र भी करता, धन हस्तांतरण सेवा भी इसके द्वारा यानी डाक विभाग के द्वारा की जाती है। तो लगभग इसमें 195 देशों में भारत में किसी भी व्यक्ति को भेजे जाने वाला धन जल्दी व अतिशीघ्र इसके माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना, तो 2009 में राष्ट्रीय पेंशन योजना ये शुरू हुई थी। तो 2009 में भारत सरकार ने नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरुआत की थी, जिसे पहले नवीन पेंशन योजना कहा जाता था। डाक विभाग राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए एक करीबी इकाई है। भारतीय डाक व्यवस्था आम जन के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। अब इसमें कौन, राष्ट्रीय पेंशन योजना 2009 जो शुरू हुई थी, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से लेकर
55 वर्ष के बीच है, 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है और 60 वर्ष की आयु तक योजनाओं में उसे अपना कंट्रीब्यूशन यानी 18 शर्त क्या रखी गई, यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना 18 से 55 वर्ष के बीच एज आपकी होनी चाहिए, 60 साल की एज तक आप कंट्रीब्यूशन करोगे और पेंशन अंशदान का निवेश किसके द्वारा किया जाएगा, ये निवेश इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, तो PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी के नाम से जाना जाता, इसके द्वारा किया जाता है निवेश, PFRDA के द्वारा किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है राष्ट्रीय पेंशन योजना, इससे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जन सुरक्षा योजनाएं यानी यहाँ डाकघरों में भी शुरू हैं, वैसे भारत सरकार के द्वारा जन सुरक्षा योजनाएं एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सभी CBS डाकघरों में 7 सितंबर 2015 तो 7 सितंबर मत याद रखिए 2015 से, चाहे वो प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, इन सबको डाकघरों में भी शुरू कर दिया गया है। कब? 2015 से डाक विभाग ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी यानी NIC और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी LIC, इन दोनों के साथ क्या किया, समझौता किए यानी किया है। इसके अलावा 2015 में ही अटल पेंशन योजना भी लॉन्च की गई, उसको भी डाकघर यानी अटल पेंशन योजना आप ऐसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दो बीमा हैं, और इसके अलावा डाकघर अटल पेंशन योजना, इन सबको तीनों योजनाएं कब शुरू हुई हैं 2015 में, और ये तीनों डाकघर में भी उपलब्ध हैं। अगला देख लेते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और ATM की स्थापना। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यहाँ से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से आपके PCS IAS प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो देख लेते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भारतीय डाक के सूचना प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण का हिस्सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सूचना प्रौद्योगिकी का पार्ट है। इसका उद्देश्य है कि डाकघरों में आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी और संरचना के साथ, यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या किया जाता कि डाकघरों में आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी और संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पर बल दिया जाता के साथ विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को लाना है। परियोजना का उद्देश्य चालू योजना अवधि के दौरान लघु बचत योजनाओं के लिए सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को लागू किया गया है। परियोजना से कहीं भी कभी भी बैंकिंग ATM व इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, इसी को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। आगे देखते हैं सुकन्या समृद्ध योजना। सुकन्या समृद्ध योजना का मतलब हुआ कन्या भ्रूण हत्या भारत में बहुत ज़्यादा होता, तो कन्या भ्रूण हत्या व गिरते हुए लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या व गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए और शिशु कन्या शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए कन्या समृद्ध योजना नामक नई यानी लघु बचत योजना ये भी 2015 में शुरू की गई है। 2015 में शुरू की गई योजना के अंतर्गत कन्या शिशु के नाम पर, ध्यान दीजिएगा, उसके मम्मी पापा जिन्होंने उसको पैदा किया या गोद लिया का मतलब हुआ कानूनी व्यक्ति, दोनों को परमिशन दी गई, कानूनी या नैसर्गिक यानी अभिभावक एक खाता खुलवा सकते हैं, और इस योजना के अधीन हुआ दो अन्य कन्याओं के नाम पर भी उनके जन्म के 10 वर्ष के अंदर यानी 3 कन्या तक है, यानी पहली कन्या व दो अन्य कन्याओं के नाम पर यानी 10 वर्ष की आयु तक दो अलग अलग खाते भी खुलवाए जा सकते हैं, और इसमें जब कन्या की 18 वर्ष एज पूरी हो जाएगी तो वह आधा पैसा निकाल सकती है अपनी एजुकेशन या अन्य, और 21 साल एज होने पर पूरा पैसा यानी कन्या निकाल सकती है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी को सुकन्या समृद्ध योजना कहा जाता, ये भी आपकी कब 2015 में ही शुरू की गई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये ध्यान दीजिएगा, तो इंडियन भारतीय
पोस्ट पेमेंट बैंक या इसी को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB कहा जाता, इस समान जन के लिए सबसे सुगम, एक्सेबल, वाहनी, अफोर्डेबल तथा भरोसेमंद, रिलायबल बैंक के तौर पर ये कब शुरू हुआ, तो 2016 में इसको शुरू किया गया है। तो अगर पूछा जाए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शुरुआत कब हुई 2016 में, इसका लक्ष्य क्या है, तो प्रमुख लक्ष्य नगद आधारित कैशलेस इकोनॉमी को कैश युक्त यानी नगद आधारित अर्थव्यवस्था को कैशलेस लेन देन यानी डिजिटल लेन देन को प्रमोट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऐसे व्यक्ति जो अभी नगदी को प्रमोट करते हैं यानी उन्हीं को नगदी से निकाल करके कैशलेस की अर्थव्यवस्था की ओर यानी ले जाना इसका प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। तो यहाँ लिखा भी है कि नगद आधारित अर्थव्यवस्था में कैशलेस लेन देन की स्थापना और बैंकिंग दायरे से बाहर लोगों को इसके अधीन लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और सबसे अच्छी बात कि ये 100% यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत की गई। इसकी देश भर में कितनी 650 शाखाएँ हैं जो जिला डाकघरों से संबंधित हैं यानी जिला डाकघर जिससे आपका जिला प्रधान डाकघर कहा जाता है उसमें इसको यानी खोला गया है। और यह ध्यान दीजिएगा देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जो IPPB है यह देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते कौन कौन ये सुविधाएँ प्रदान करता है, तो ये आपका बचत जमा यानी बचत खाता, चालू खाता, दो प्रकार की सुविधाएँ बचत जमा में कौन कौन है, तो आपका बचत खाता, चालू खाता, सावध जमा खाता इसमें नहीं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद राशि हस्तांतरण, कैश ट्रांसफ़र किया जा सकता है यानी ये आपका बिल्कुल सरल, सुरक्षित, त्वरित और 24 घंटे सुविधा है। राशि कैश आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, सरल, सुरक्षित, त्वरित हुआ, 24 घंटे की सुविधा। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण इसमें किया जाता, इसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसे मनरेगा का पैसा हुआ, छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप हुआ, समाज कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं चल रही, अन्य सरकार छूट देती तो उसका पैसा। इसके अलावा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे आपका ऋण हुआ, बीमा हुआ, निवेश हुआ, डाकघर बचत योजनाएं, इनको भी इससे संचालित किया जा सकता है। तो बचत जमा में बचत खाता होगा, चालू खाता और सावध जमा खाता इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो बचत खाता और चालू खाता दो ही इसमें आपका हैं, यानी करंट अकाउंट है और आपका सेविंग अकाउंट, दो प्रकार के बचत जमा हैं। राशि हस्तांतरण सरल, सुरक्षित, त्वरित हुआ, 24 घंटे उपलब्ध है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की बात करें तो मनरेगा, छात्रवृत्तियां, समाज कल्याण लाभ, अन्य सरकारी छूट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इसमें ऋण हो गया, बीमा हो गया, निवेश हो गया, डाकघर बचत योजनाएँ, इसको भी यानी लागू किया जा सकता, लिया जा सकता। इसके अलावा बिल और अन्य भुगतान जैसे मोबाइल हुआ, DTH रिचार्ज कर सकते, बिजली, पानी, गैस बिल इत्यादि का भुगतान कर सकते हो, अनुदान ग्रांट कर सकते हो, किसी को पैसा अनुदान करना चाहते, बीमा शुल्क दे सकते हो यानी बीमा कराए हो तो उसका शुल्क कर सकते हो, उद्यम तथा व्यापारिक भुगतान जैसे डाक उत्पाद खरीदते हो तो उसका पेमेंट, ई कॉमर्स डिलीवरी का डिजिटल भुगतान आप कर सकते हो, छोटे व्यापारी, किराना स्टोर, असंगठित रिटेल, ऑफलाइन पेमेंट, नगद प्रबंधन सेवाएं, ये सब इसके माध्यम से संचालित की जाती हैं। डाकघर बचत बैंक का प्रमुख लक्ष्य बचत होता है, जबकि IPPB मुख्यतः डिजिटल भुगतान और प्राप्ति का मार्ग अपनाने पर जोर देता है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका इसका अन्य फायदा है। आगे देखिएगा जो इंडियन पेमेंट, ये आपका IPPB है या बचत खाता व चालू खाता, ऑपरेशन का मतलब हुआ कि बाहर का आपका जो रिमिटेंस आता है वो भी इसके माध्यम से भेजा जा सकता, बिल भुगतान सेवाएं, व्यापारिक सेवाएं, थर्ड पार्टी उत्पाद जैसी सेवाएं भी प्रदान की गई हैं। IPPB के आरंभ से के साथ ही डाक बचत खाता का एक IPPB खाता से ऐड कर दिया गया, जिसके लिए एक अंतः प्रचालनी बैंकिंग इकोसिस्टम के माध्यम से POSA खातों को संचालित किया जा सकता, जिससे वह IMPS
IMPS इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम इसी को कहा जाता। दूसरा UPI यानी ये तो जानते हो, ये आपका UPI से आप पैसा भेज सकते हो। अगला है आपका NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी NEFT हो गया। उसके अलावा RTGS तो IMPS ये सब आपका ऑनलाइन भुगतान के तरीके हैं। IMPS ये पीछे की वीडियो करंट वाले में डिटेल में डिस्कस कर चुके। UPI NEFT RTGS RTGS तथा BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। जैसे ऑनलाइन भुगतान पेमेंट करने योग्य भी बनते हैं यानी इसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हो। इसी तरह किसी दिन 1,00,000 रुपये से अधिक, यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, इसी तरह किसी दिन 1,00,000 रुपये से अधिक की शेष राशि वाले POSA खाते IPPB खातों को स्वैप आउट लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायक साबित होते। तो यहाँ 1,00,000 से अधिक ध्यान दीजिएगा, 1,00,000 से कम नहीं, 1,00,000 से अधिक के आप कर सकते हो। IPPB डिजिटल भुगतान के माध्यम से डाक विभाग को ई कॉमर्स व्यवसाय सेवाएं भी प्रदान करता। तो ये आपकी इतने आपकी सुविधाएं किसको यानी IPPB के माध्यम से यानी किया गया। तो इसमें काफ़ी फ़ायदा है। तो इसमें मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बिल पेमेंट, डिजिटल भुगतान, इन सब को 24 घंटे हम कर सकते हैं। और IPPB के माध्यम से मुख्य लक्ष्य इसका क्या है तो ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक क्षेत्र के लाभार्थियों, प्रवासी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों यानी कर्मिकों, वर्कर्स, छोटे व मझोले यानी यमी सेक्टर, पंचायतों, कम आय वाले परिवारों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बैंकिंग रहित एवं न्यून बैंकिंग जिनकी बहुत कम पहुंच होती है उन तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। तो ये आपकी थी। अगला समझ लेते हैं डाक जीवन बीमा। तो डाक जीवन बीमा जो है इसी को PLI के नाम से जाना जाता, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस योजना या डाक जीवन बीमा योजना। ये कब शुरू हुई थी तो हमने डाक जीवन बीमा योजना भी बताई। बीमा जीवन बीमा योजना 1 फरवरी 1884 को डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी योजना के तौर पर इसे शुरू किया जाता है। और 1888 में इसके अंतर्गत टेलीग्राफ, पहले डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए थी, फिर टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों को भी इसके अंतर्गत लाया जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय और राज्य सरकार के प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता से चलने वाले शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनलाइज्ड जो बैंक हैं, स्थानीय निकाय आदि सभी आते हैं। यानी कि डाक जीवन बीमा योजना की सुविधा के अंतर्गत रक्षा सेवाओं, अर्ध सुरक्षा बलों को भी लाया गया, ध्यान रखिएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में न्यूनतम 10%, ये ध्यान रखिएगा, बैंकों में कितने परसेंट, तो 10% हिस्सेदारी रखने वाले अनुसूचित कमर्शियल बैंकों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट एंटरप्रेन्योरशिप के कर्मचारी को भी जीवन बीमा के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अखिल भारतीय तकनीकी सेवा AI, ये सब पीछे डिस्कस कर चुके हैं आपके करंट वाले, AICTE को भी इसके अलावा मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत विश्वविद्यालय संस्थान, इनको भी इसमें लाया गया। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधन सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंट, आर्किटेक्चर, वकील, बैंकर, इन सबको, व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो को इसमें शामिल किया गया, यानी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के
में सूचीबद्ध कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें आपका 4,000 रुपये की उच्च मैक्सिमम आप कितनी लिमिट है, 4,000 रुपये की उच्च बीमा शुरू कर सकते हो और 50 लाख रुपये का अधिकतम। अगर 4,000 रुपये वाला आप लोगे तो 50 लाख रुपये का आपका मैक्सिमम बीमा इसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपका इसमें एकल बीमा पॉलिसी के अतिरिक्त यानी डाक आप सामूहिक बीमा योजना भी ले सकते हो, तो एकल बीमा पॉलिसी भी है और डाक बीमा पॉलिसी दोनों इसमें ली जा सकती हैं। इसके अब अगला हम बात कर लेते हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा। तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा यानी गांवों में बीमा तक पहुंच हो तो इसके लिए 1995 से ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत की जाती है। उद्देश्य वही है, ग्रामीण जन विशेषकर गांव के कमजोर वर्ग व महिलाओं के लिए बीमा उपलब्ध करवाना व ग्रामीण आम जन के बीच बीमा इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, डाक जीवन बीमा के 6 प्लान हैं। कौन कौन 6 प्लान हैं? तो संपूर्ण जीवन सुरक्षा, तो इसी को सुरक्षा कहा जाता। परिवर्तन पूर्ण संपूर्ण जीवन सुरक्षा, इसको सुविधा कहा गया। इंडोसेंट सुरक्षा यानी संतोष इसको कहा गया। अनुमानित इंडोसेंट सुरक्षा सुमंगल। संयुक्त बीमा सुरक्षा युगल यानी मेल फीमेल दोनों को, तो ये युगल सुरक्षा। बाल पॉलिसी यानी बाल जीवन बीमा, ये 6 इसके अंतर्गत आपके प्लान हैं इसमें शामिल किया गया। सुरक्षा, सुविधा, संतोष, सुमंगल, युगल सुरक्षा। तो सुरक्षा में 2 हैं, सुरक्षा, युगल सुरक्षा। सुरक्षा, युगल सुरक्षा, सुविधा, संतोष, सुमंगल, बाल जीवन बीमा इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए स्टेट्स मैनेजमेंट की। इसमें कुछ आपका हमारे एग्ज़ाम का काम का है नहीं, मटेरियल मैनेजमेंट इसमें भी आपका काम का नहीं है। अब यहाँ काम का है स्पीड पोस्ट। आज जो आप बात करते हो तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई, तो अगर इसकी हम शुरुआत देखें तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत काफ़ी बाद में हुई है, 1986 में हुई। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में की गई। इसके अंतर्गत अगर 35 किलो तक के वजन वाले पत्र या पार्सलों को देश में कहीं पर भी निश्चित समय में काफ़ी तेज़ी से आप भेज सकते हो, यह डाक विभाग का अग्रणी उत्पाद है और घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में इसका स्थान प्रमुख है। इस सेवा से 1 महीने में 3 करोड़ से अधिक पत्र व पार्सल भेजे जाते हैं। इसमें आपका कोई काम का नहीं, काम यही है कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत भारत में कब होती है, 1986, और कितना 35 किलो वजन तक के आप इसमें डाक पत्र या पार्सल आसानी से भेज सकते हो। एक्सप्रेस पार्सल हुआ बिजनेस पार्सल, ये आपका एक्सप्रेस पार्सल हुआ, ये पता होना चाहिए एक्सप्रेस पार्सल हुआ बिजनेस पार्सल कब शुरू किया गया, तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई है। 2000 तो एक्सप्रेस पार्सल में न्यूनतम आपका कितनी लिमिट है, 0.5 किलो वजन पर शुल्क लिया जाता है, जबकि खुदरा ग्राहकों से अधिकतम 20 किलोग्राम पर और कॉन्ट्रैक्ट ग्राहकों से 35 किलोग्राम पर शुल्क लिया जाता है। बिजनेस पार्सल का लक्ष्य कोऑपरेटिव ग्राहकों को मित व्यय वितरण सेवा उपलब्ध कराना, तो इसमें बिजनेस ही आपका एक्सप्रेस में आ गया। न्यूनतम आपका 0.5 kg वजन पर शुल्क लिया जाएगा एक्सप्रेस पार्सल में। खुदरा कोई रिटेलर है तो 20 और कॉन्ट्रैक्ट वाला है तो 35 आपका kg पर लिया जाएगा। बिजनेस पार्सल का लक्ष्य कॉरपोरेट ग्राहकों को मित व्यय वितरण सेवा उपलब्ध कराना है। इस श्रेणी में न्यूनतम शुल्क 2 किलोग्राम पर लिया जाता, जबकि अधिकतम बिजनेस में जाओगे तो न्यूनतम 2 किलोग्राम, मैक्सिमम 35 किलोग्राम, यानी 2 से 35 किलोग्राम के बीच आपसे शुल्क लिया जाता है। कैश ऑन डिलीवरी, ये भी आपका 2013 में सुविधा कैश ऑन डिलीवरी की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा लॉजिस्टिक, आप कोई आपका अन्य सामान भेजना चाहते हो तो ये लॉजिस्टिक सेवा भी आपका लॉजिस्टिक पोस्ट एयर यानी वायुयान के माध्यम से सेवा, ये भी 2013 में शुरू की गई। तो इसमें आपका ध्यान दीजिएगा, लॉजिस्टिक पोस्ट द्वारा भेजे गए माल के वजन की ऊपरी सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम कम से कम 50 किलोग्राम का आपका सामान होना चाहिए। तो न्यूनतम सीमा 50 kg है लॉजिस्टिक में, ऊपरी सीमा
के ऊपर कोई भी आपका ये नहीं लगाया गया है कि कितने किलो होना चाहिए। आगे आइए, मीडिया पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, रिटेल पोस्ट, तो इसमें आपका कोई उतना खास आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं बनता है। जहां बनता है उतना हमने आपको बता ही दिए। यात्री आरक्षण व्यवस्था, उसके अलावा सार्वभौमिक यानी स्वर्ण बांड, ये इम्पॉर्टेंट है, इसी को यानी यूनिवर्सल या कहा जाए यानी गोल्ड बांड स्कीम के नाम से जाना जाता, सबरेन गोल्ड बांड स्कीम या इसी को यूनिवर्सल। तो आपका सबरेन बांड स्कीम शुरुआत कब हुई थी, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा 2015-16 में से शुरू किया गया, और ये आरबीआई, इसमें भी आरबीआई द्वारा असल में इसको संचालित किया चलाया जा रहा था, जिसमें वित्त मंत्रालय भी यानी आपका इसमें सपोर्ट करता है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, पेपर गोल्ड को लोकप्रिय बनाना है, यानी जो गोल्ड है वो कहाँ, डाकघरों में और आपका बैंकों में जमा करवाएं, उसके बदले सरकार आपको क्या देगी, यानी आपका इसके बदले आपको यानी इंटरेस्ट सरकार के द्वारा, यानी सरकार का मतलब हुआ बैंक के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपका है ई डाकघर की भी आपका शुरुआत, ई डाक की शुरुआत की गई है, तो ये आपका इसमें कुछ अंदर का है नहीं, ई भुगतान भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, तो यू पी यू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो भारत कब इसमें, तो 1876 में भारत किसका मेंबर बन गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसमें 192 देश हैं जिनमें भारत भी 1876 में क्या बन गया, मेंबर बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत इसका मेंबर है। इसमें डाक सेवाओं को प्रमोट करने का प्रयास किया जाता है। आगे देख लेते हैं, आपका कुछ काम का नहीं, जहां काम का होगा, पोस्टमैन मोबाइल ऐप, ये भी आपका कोई काम का नहीं है, तो ये आपका एक इसमें है कि मैसूर में आपका ध्यान रखें, एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी स्थित है, ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से यानी पोस्टमैन मोबाइल नामक ऐप को यही विकसित किया गया, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला फिलाटेली, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, करंट न्यूज है कि फिलाटेली डाक टिकटों का संग्रह करते, बच्चे पहले डाक टिकट का संग्रह करते थे लेकिन आज हम इसको छोड़ दिए, तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए डाक टिकटों का संग्रह, डाक टिकटों का इतिहास, अन्य संबंध वस्तुओं के अध्ययन की रुचि अगर किसी की है तो उसी को फिलाटेली कहा जाता है। या टिकट संग्रह के अतिरिक्त महत्वपूर्ण अवसरों को मनाने, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्मरण करने, राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति और घटनाओं को प्रोत्साहित करने का तरीका है। डाक टिकटें सचेत प्रतिनिधि होती है या देश की संप्रभुता की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण यानी भूमिका का निर्वहन किया जाता, तो इसी को फिलाटेली के नाम से जाना जाता है। तो फिलाटेली से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। माई स्टाम्प्स, इसमें कुछ आपका काम का है नहीं, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2019 में 25 डाक प्रशासनों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किए, तो इसमें भी आपका कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट हो। सबसे ज़्यादा ये दीनदयाल स्पर्श योजना है, ये आपका ये कब दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श स्पर्श 17 स्पर्श से आप ऐसे याद रखिए 17, तो 2017-18 में दीनदयाल स्पर्श योजना नाम से एक डाक टिकट छात्रवृत्ति का योजना का प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य छोटी बच्चों में छोटी आयु से ही फिलाटेली की हॉबी को स्थायी तौर पर, फिलाटेली का मतलब हुआ डाक टिकट आप इकट्ठा कीजिए, अभी ऊपर बता चुके, तो दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत बच्चों में छोटी आयु से ही फिलाटेली की हॉबी को स्थायी तौर पर बढ़ावा देना है, जिससे कि वह उनके स्कूली पाठ्यक्रम को समर्थन देते हुए तनाव मुक्त रहने में मदद करें। इस योजना के अंतर्गत देश भर में प्रतिवर्ष 6, 7, 8, 9 कक्षा के विद्यार्थियों के बीच लगभग कितनी 920 क्या लिख दिए 920 याद की रखिएगा 920 छात्र वृत्तियां प्रदान की जाती हैं। ढाई आकर प्रेम लेखन पत्रिका, इसमें भी आपका
कुछ खास है नहीं। ई डाक घर, ई डाक घर, अब ई डाक घर की शुरुआत इसमें कहा गया, ये भी 2017 में दीनदयाल स्पर्श योजना के साथ 17-18 में वो हुआ, तो उसी के साथ आपका ई डाक घर की भी शुरुआत की गई, इलेक्ट्रॉनिक डाक घर इसी को कहा जाता है। रफ़ी अहमद किदवई, ध्यान दीजिएगा यहाँ, रफ़ी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी ये गाज़ियाबाद में है। इससे क्वेश्चन कभी कभार हो सकता पूछ लिया जाए, तो ये हमने यहाँ डिस्कस कर दिए, यानी रफ़ी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी पूछा जाए तो ये गाज़ियाबाद में स्थित है। आप जानते हो उच्च प्रबंधन कैडर को प्रशिक्षित करने के लिए, यानी डाक एवं संचार, आप देखोगे जो IAS का एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज, उसमें इंडियन पोस्टल सर्विस भी होती है IPS, उसी को ट्रेनिंग देने के लिए रफ़ी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी गाज़ियाबाद में स्थापित किया गया, तो ये आपका आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जन शिकायतें, तो जन शिकायतें के लिए कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्र आपके शुरू किए गए हैं, तो आपका इसमें भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। भारतीय डाक सहायता केंद्र, यानी ये किसी प्रकार की दिक्कत होती तो ये इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा ये आपका काम का है यहाँ एक ये, यानी 2018 से, ध्यान दीजिएगा 2018 से इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम ये आपकी शुरू की गई, और ये कहाँ से शुरू की गई, बनारस से ये सर्विस शुरू की गई। तो ये पूछा जा सकता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम कहाँ से शुरू हुई ये सेवा, तो ये बनारस से शुरू की गई है। भारतीय डाकघर नियम, तो इसमें भी आपका कुछ खास आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ निकलता नहीं है। बाकी आपका डिजिटल पहल योजना, आप देखते हो कि 2015 में पेंशन धारकों को डिजिटल और जीवन डिजिटल तौर पर सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा प्रदान कर दी गई, तो आपका डिजिटल इंडिया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, ये हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो इसी के साथ इसका एक दूसरा आपका पार्ट है, यानी डिजिटल वाला, तो डिजिटल में अब हम दूसरा पार्ट आपका प्रौद्योगिकी वाला, ये डाक वाला पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपका इस वीडियो से मिला होगा, तो अगले वीडियो में हम सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा कौन कौन सी पहल यानी शुरू की गई उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यही डिस्कशन आज समाप्त करते हैं, धन्यवाद।